हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड पे अगर हमें लेटर टाइपिंग करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपको एमएस वर्ड पे लेटर टाइपिंग करना आ गया तो आप अगर एप्लीकेशन टाइप करना चाहें तो वो भी आप टाइप कर सकेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे एक लेटर हम टाइप करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में जैसे हमने खाना खाया, वहाँ की सर्विस हमें नहीं समझ में आई, तो उसी के कंप्लेन के पर्पस पे हम लेटर लिखेंगे। तो देखिए, अभी इसका मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, आई थिंक वही परफेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए मार्जिन्स पे है, कस्टम मार्जिन्स पे है, तो जो बाय डिफॉल्ट सेट है हम इसे ही रखेंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसे ओके रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मार्जिन्स जो है हम वही रखेंगे। हम होम टैब पे आ जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हम कितना कर लेंगे, 12 कर लेंगे, और यहाँ पे जो इसकी फॉन्ट स्टाइल है हम इसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम ए टाइप करेंगे तो हमारा एरियल आ जाएगा, हम ये एरियल फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं जहाँ से हम लेटर को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस दे देंगे। और यहाँ जिस डेट को भेजा जा रहा है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे 10th अक्टूबर। तो देखिए, जो यहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस है हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसका अलाइनमेंट हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो जो हमारा ये टेक्स्ट है वो राइट साइड आ जाएगा। हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, एंटर करेंगे और अब ये हम क्या कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अगेन हमारा कर्सर अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका यहाँ पर एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है हम उसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दे देंगे द मैनेजर। और जो रेस्टोरेंट का नाम होगा वो रेस्टोरेंट दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने एंटर किया, अगेन एंटर करेंगे। अब हमें नहीं पता है कि जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो लेडी है या जेंट्स, तो यहाँ पे डियर सर और ऑब्लिक में मैडम दे देंगे हम। अब देखिए, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना होगा कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम दे देंगे कंप्लेन अबाउट रेस्टोरेंट सर्विस। तो हमने यहाँ पे देखिए दो बार एंटर कर दिया है और यहाँ पे हम दे देंगे सब्जेक्ट। देखिए, अपने टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसका अलाइनमेंट हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, कि सब्जेक्ट को देख के ही पता चलेगा कि किस टॉपिक पे ये लेटर लिखा गया है। और यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, एंटर करेंगे, अगेन इसका अलाइनमेंट हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो जो अब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो कहाँ से, लेफ्ट से टाइप होकर के आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया फर्स्ट लाइन, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ मील वी हैड इन योर रेस्टोरेंट यस्टरडे, कि जो हमने कल आपके रेस्टोरेंट में खाना खाया उसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे इश्यूज़ थे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने दे दिया है कि जो हमने सीट बुक की थी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सीट नहीं मिली, और जो हमारी प्रॉब्लम्स है तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट करके मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा जो मैटर है वो हमने टाइप कर दिया है। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए दो बार हमने एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे दे देंगे योर फेथफुली, और जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब देखिए, जितने भी ये जैसे नाम है इनको क्या करेंगे, हम सबको बोल्ड कर देंगे। हमने इनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट किया, और जो हमारा सब्जेक्ट है हमने इनको सबको एक साथ सेलेक्ट किया और इनको कर दिया बोल्ड, कि अलग से हाईलाइट होकर के दिखेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट में हमने ये टाइप किया योर फेथफुली कृष्ण प्रताप, इसका भी हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे स्टाइल,
तो इस तरीके से कि हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है, फाइल पे जाके हम इसका प्रिंट चेक कर सकते हैं। प्रिंट पे आ गए तो देखिए इस तरीके से आपका लेटर ये लिख के आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसके मार्जिन्स में कुछ भी चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लेटर देते हैं तो ये कहीं पर रखे जाते हैं स्टेपलर वगैरह करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन हमें रखना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एक कम्प्लीट फॉर्मेट है लेटर टाइपिंग का MS वर्ड पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।